दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर रूस ने एक बार फिर विराम लगा दिया। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराश्को ने बुधवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन पर लग रहे आरोप आधारहीन और तर्कहीन हैं। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के हवाले से स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराश्को ने कहा कि रूस में बनाई गई वैक्सीन पर यह आरोप लगाए गए कि ये असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर लगाए गए आरोप बाजार प्रतियोगिता से प्रेरित हैं। बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को कहा था कि मानव परीक्षण के 2 महीने बाद कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला रूस पहला देश बन गया है। पुतिन ने दावा किया है कि सभी जरूरी परीक्षण से गुजरने के बाद ये वैक्सीन तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी परीक्षण में शामिल हुई और उसे टीका दिया गया। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। रूस की कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका और WHO ने भी संदेह जाहिर किया है। वहीं मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिक ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराश्को को भेजी चिट्ठी में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिक ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को खुराक दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। बता दें कि एक तरफ जहां रूस की कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका संदेह कर रहा है, तो दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसे 20 देशों से इस वैक्सीन के 1 अरब डोज बनाने का ऑर्डर मिला है। अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव एलेक्स अजार ने कहा है कि कोविड-19 का पहला टीका बनाने की जगह कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी और सुरक्षित टीका बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अजार ने कहा कि विषय पहले टीका बनाने का नहीं, विषय ऐसा टीका बनाने का है जो विश्व के लोगों के लिए सुरक्षित तथा प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि टीके की सुरक्षा और इसके प्रभाव को साबित करने के लिए पारदर्शी डेटा का होना महत्वपूर्ण है। अजार ने कहा कि अमेरिका में 6 टीकों के विकास पर काम हो रहा है। जर्मनी ने भी पारदर्शी डेटा न होने पर सवाल उठाए। वहीं सितंबर से इस वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन देशों ने इस वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए हैं। रूस ने जहां वैक्सीन लॉन्च कर दी है, वहीं बाकी दुनिया अभी कोविड-19 टीकों का ट्रायल कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, चीन, भारत समेत कई देशों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल के आखिरी स्टेज में कुल 5 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और शुरुआती नतीजे अक्टूबर तक आ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।